बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंपल अफ्तारी और सहरी की रूटीन, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। Another day, another sari. मम्मी बना रही है पराठास अगेन। असल में रोटी खाए खाने के तो बच्चे शौक से खा लेंगे, मगर मैं उनको खुद पराठा देती हूँ। जिस तरह बड़ों से सुनते आए हैं कि भाई पराठे से ज़रा ये कि बच्चे खुश होकर खा लेते हैं, फीलिंग हो जाती है, तो बस मेरा यही होता है कि नहीं बच्चों के लिए स्पेशल पराठा ही बनाऊँ मैं। बस यही सब चल रहा होता है शहरी में। अनाया कुछ लाया है मैंने और भागी हूँ जल्दी से। हाँ वो उठ गई थी और वो अभी भी बस इसी तैयारी में होती हैं। जैसे ही मैं कोई भी ज़रा सा भी शोर होता है तो उठ जाती हैं। तो मेरी ये कोशिश थी कि भाई अभी वो सो रही हैं तो उसे सोने दो, हम जल्दी से जाकर मैं रोटियां या पराठा बना दूँ बच्चों को, क्योंकि माशाल्लाह बच्चों ने रोज़ा रखना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह भी रख रहे हैं तो अल्लाह पाक बस आसानी से रखवाए उसके भी। कोई भी दौर हो हर हुक्म उनका मोतबर। एनीवेज हम बोल रहे थे कि अनाया सो रही है, नाउ शी इज अवेक। अनाया को हम सब के साथ रोजा रखना है, शी वांट्स टू सेलिब्रेट रमजान, राइट? मम्मा बाहर रहती हैं तो उनकी भी नींद उड़ी हुई होती है और बाहर What's going on, Anaya? Huh? मैं इतने मजे से सुला कर आई थी, मैंने कब सोई रहेगी और फौरन से बाहर। Hi, Assalamualaikum everyone. So, हम फाइनली स्टडी से फ्री हो गए हैं, तो फाइनली हम मम्मा को हेल्प करा सकते हैं, क्योंकि हम मम्मा को हेल्प नहीं करा पा रहे थे, बिजी थे। अब हमारी हॉलीडे स्टार्ट हो गई है, सो वी कैन हेल्प मम्मा। तो आज मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल्स आपके साथ। हियर आर द स्प्रिंग रोल्स, एंड इसमें होगी कैबेज फिलिंग और ये है पनीर एंड चीज़। पनीर एंड चीज़ मम्मा ने आज बनाई है, सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी डिलिशियस। और ये है कैबेज फिलिंग जो मम्मा ने आपको दिखाई थी, ये भी बहुत अच्छी थी जब हमने ट्राई की थी। मम्मा सभी अच्छा बनाती हैं। सो गाइज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, पर स्टार्ट करने से पहले मुझे एक और थिंग दिखाना था। ये मम्मा समोसों की फिलिंग बना रही है क्योंकि सब फिलिंग्स ख़त्म हो गई थी, हाफ रमदान ऑलरेडी हो गया है। ऑफ कोर्स दिस इज कीमा एंड ये है पत्ते कोरिएंडर। थैंक्स डैड। ओके सो ये है समोसा की फिलिंग। मम्मा अभी इनमें आई थिंक अनियन डालेंगी। जी जी, कि उनका हाँ नहीं कहना भी है कुरान के जैसा कि उनका। सो गाइज मैंने बना ली है कैबेज और पनीर के स्प्रिंग रोल्स। आप देख सकते हैं इस बार हमने स्मॉल मिनी साइज के लिए, क्योंकि बहुत क्यूट थे और खाने में भी ज़्यादा इजी हो जाते हैं, तो दैट्स व्हाट वी मेड देम मिनी साइज। और अब मैं मूव ऑन करूँगी समोसा बॉक्स पेस्ट्री पे। सो गाइज बॉक्स पेस्ट्रीज भी रेडी हो गए, स्प्रिंग रोल्स भी रेडी हो गए, अब बस मम्मा को फ्राई करने हैं। हम मिलते हैं आपसे किचन में। मम्मा क्या बना रही हैं? फ्रूट चाट बेटा, फ्रूट चाट बनानी है। और साथ में आज थोड़ा से पहले पुलाव बनाने लगी थी, फिर मुझे याद आया कि अला जो है वो शौक़ से बिरयानी खाते हैं, तो मैंने कहा चलिए हल्की सी बिरयानी बना देती हूँ लाइट से, उसकी बच्चा मेरा खुश हो जाएगा। तो माशाल्लाह से रोज़े रख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो फिर होता है खुद ब खुद के जो बच्चा मतलब
कभी कुछ जरा सा मेरा वो भी होता है ना कि भाई ये इसको अच्छा नहीं लग रहा, नहीं खा रहा, तो मेरा दिल होता है कि मैं फौरन से उसके लिए कुछ डिफरेंट बना दूं ताकि वो खा ले। तो तकरीबन हर माँ की कोशिश होती है कि जो चीज़ अच्छा कर सके अपने बच्चों के लिए करे, चाहे वो खाना हो या लाइफ का कोई भी काम हो। तो मेरी भी यही कोशिश होती है अपने बच्चों के लिए। मैं पपाया काट रही हूँ, ये बाकी का मम्मा ने काट रहा था इसलिए तो अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता कैसे करते। मैंने कहा मैं बिरयानी को दम दे देती हूँ, चावल हो जाते हैं, आपको पता है पहले ये होता है कि साथ ही बिरयानी को संभाल लिया जाए यहीं पे। और मम्मा रेडी है। नॉर्मली मैं बिरयानी थोड़ी ज़्यादा बनाती होती हूँ, आज मैंने बहुत कम बनाई है, तो मुझे लग रहा है कम बनाने की वजह से जल्दी बन गई। जैसे भी अल्लाह की फरमाइश थी, इफ्तारी करनी थी तो उसको ओरियो मिल्क शेक लेना था। वो कह रहा था कि मामा मेरे लिए ओरियो मिल्क शेक बना दे, तो मैंने यहाँ 2 पैक ओरियो के लिए जिसमें 6 बिस्किट हो जाएंगे हमारे पास। मैंने ज़्यादातर 2 ग्लास बनाने, और तो कोई लेगा नहीं, अगर अल्लाह लेगा तो साथ में अहमद को लेना होगा तो वो ले लेगा, या तैबा थोड़ा ले लेंगे। यहाँ हमने सबसे पहले और ओरियो डाल देते हैं इसमें, और साथ ही ऐड करेंगे 1 ग्लास के करीब दूध। तो यहाँ डाल लेते हैं हम क्रीम, इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून होगी, और साथ ही ऐड कर दूंगी आइस, जितना चिल होगा उतना मज़ेदार लगेगा। अच्छा जी, इसमें हम डाल देंगे अब 1 टेबल स्पून के करीब शुगर, आप कम लेते हैं तो आप कम डालें। ठीक होने के बाद इसमें हम और आइस ऐड कर देंगे। बच्चों का फेवरेट होता है ये, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो हमने कर लिया इसे चंद मिनटों में ही तैयार, झटपट से ओरियो मिल्क शेक रेडी है। तो अल्लाह खुश हो जाएंगे मेरे, ऊपर से इसकी एक्स्ट्रा क्रीम भी मैं ऐड कर देती हूँ। तो इसको हम डाल चुके हैं, पर इसका थोड़ा सा और हम इसको खूबसूरत सा लुक देंगे ओरियो के साथ। माशाल्लाह आज की इफ्तारी भी डन हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बनाए हैं, तैबा ने अपनी पसंद से पनीर के रोल बनाए हैं और साथ कैबेज रोल बने थे, साथ में हमने समोसा बनाया था, और फ्रूट चाट थी, मिठाई है कुछ, और खजूर वगैरह है, साथ बिरयानी बनी है, और ये है मेरे अलग ही पसंद की, और आज की इफ्तारी हमारी डन है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो आज की इफ्तारी हमारी डन है, आपको इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और अपना रखें बहुत सारा ख्याल, और अब आपकी मुलाकात होती है बच्चों से। अनाया भी आपको हेलो हाई कर रही है। Hi, hello guys, how are you? Assalamu alaikum. And today is day 19 of our goodie bags. Allah is going to open the goodie bags. First of all, hum start karte hain good deed se. Dekhte hain ki aaj ki good deed kya hai. Make a new friend. So aaj ki good deed hai make a new friend. Good deed number 19. And let's check the goodies. Today we have choco pies. Choco pies. Thank you. Who doesn't love choco pies? So guys, I think that was it to this video. I hope you enjoyed it. If you did, aap like karna na bhule, comment, see ya, and subscribe for more videos. Thanks for watching. Bye. Love you. Allah Hafiz. Allah Hafiz, YouTube.